अगला क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास का है और इसमें जो रॉड का लीनियर डेंसिटी दिया गया है वो वेरिएबल दिया गया है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करके इसका सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे। कहा गया है रॉड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी गिवेन बाय रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाय एल होल स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड लेंथ इज एल, जो x है वो 0 से l के बीच में होता है। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मेथड है जो कि सेंटर ऑफ मास हम लोग रॉड का कैलकुलेट करते थे, तो क्या करते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते थे, है ना, इसका मास निकालेंगे इस छोटे से एलिमेंट का, तो वह आएगा लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। यहां पर लीनियर डेंसिटी को रो लिखा गया है क्वेश्चन में, तो इसको मैं रो लिख दूंगा और रो का वैल्यू भी दिया गया है यहां पर ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, डी एक्स का जो वैल्यू है वो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, ये पूरा अपना रो है, इसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये तो इस छोटे से एलिमेंट का मास हो गया, हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम, है ना, तो डीएम तो यहां पर है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा यहां पर ए एक्स डीएक्स, है ना, ए ये वाला एक्स और डीएक्स प्लस बी एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, है ना, और नीचे जो है वो डीएम है, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए डी एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लोग जीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। यहां पर हमने केवल डीएल का वैल्यू रखा है, तो देखते हैं क्या आता है, ये ए है, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट रखेंगे तो आएगा एल स्क्वायर बाई टू प्लस इसमें डी बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स पावर फोर बाई फोर, लिमिट रखेंगे तो आएगा एल पावर फोर बाई फोर डिवाइडेड बाई, यहां पर ए कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, लिमिट रखेंगे तो एल हो जाएगा, प्लस बी बाई एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यू बाई थ्री, लिमिट रखेंगे तो आएगा एल क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, यह आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल तो है, कैंसिल कर सकते हैं, एक एल यहां से, एक एल यहां से, ये थ्री हो जाएगा और यहां पर टू आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसमें ये आंसर आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, है ना, ये आएगा थ्री बाई फोर्थ टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई थ्री ए प्लस बी इंटू एल, है ना, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर यहां पर आएगा फोर्थ वाला।